हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बोट का फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट जो आपको कम बजट में बहुत ही बढ़िया सर्विस देगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लाया हूँ बोट का एयरपोर्ट्स 311। तो ये एक फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट है, लेकिन फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट होने के बावजूद बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो आज की इस वीडियो हम इसी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे, और इस रिव्यू में हम जानेंगे कि इस साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आप अच्छी तरह इस प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स के बारे में जानने को मिलता रहे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक बोट का एयरपोर्ट है 311, जो कि एक फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट है। फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट से क्या करना, हमें तो प्रोडक्ट बढ़िया चाहिए, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। तो सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का ईयरबड दिया हुआ, और साथ ही यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ यहाँ बोट लिखा हुआ मिल जाएगा। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन दिए हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया हुआ, और 9 घंटे तक का प्लेन टाइम दिया हुआ, और साथ ही यहाँ पर HD साउंड विद सुपर बेस बताया हुआ है, जो कि इस ईयरबड में है कि नहीं मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ। और यहाँ पर आपको आपको ब्रिक्स फुल चार्जिंग विद इन 2 आवर्स, यहाँ पर 2 घंटे में आपका ईयरबड चार्ज हो जाता है। मतलब यहाँ पर वाटर रेसिस्टेंट दिया हुआ है IP4, और यहाँ पर डस्ट रेसिस्टेंट भी है, मतलब धूल मिट्टी से भी इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इम्प्रेसिव साउंड, मतलब यहाँ पर आपको अच्छा खासा साउंड मिलता है। और यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट भी बताया हुआ है, इस ईयरबड में आपको गूगल असिस्टेंट सपोर्ट भी मिल जाता है। और यहाँ पर फुल्ली मल्टी फंक्शनल बटन दिया हुआ है इस ईयरबड में, और यहाँ पर 12 mm की डायनेमिक ड्राइव यहाँ पर बताया हुआ है इस ईयरबड में। तो यहाँ पर आपको एक टच भी बताया हुआ है, जो कि टच ऑपरेशन ऑपरेटिंग बताया है, जो कि सेंसर टच यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अभी हम इसे ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ओपन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा पैकिंग दिया हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको कुछ, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड दिया हुआ है, जो कि बोट का वारंटी कार्ड जैसे होता है उस तरह का यहाँ पर सेम टू सेम दिया हुआ है, लेकिन ये कॉपी प्रोडक्ट है तो इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर आपको एक मैनुअल गाइड दिया हुआ है, जिसमें आप इस ईयरबड के बारे में सारा डिटेल जान सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक सी पोर्ट दिया हुआ है, जिससे आप अपने बर्ड्स को चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक सी टाइप पोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट यहाँ पर मिल जाता है ईयरबड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लुक दिया हुआ है, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पे बोट लिखा हुआ है, और बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग दी हुई है इस बॉक्स की। तो अगर हम चार्जिंग बॉक्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फिनिशिंग दी हुई है, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर बहुत ही हार्ड क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, जो कि सी पोर्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको LED दिया हुआ है। जब आप अपने ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए लगाते हैं तो यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट यहाँ पर ब्लिंग होती है। यहाँ पर थोड़ा गोल्ड डिज़ाइन में यहाँ पर आपको बॉक्स दिया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही कूल लगता है। तो डिज़ाइनिंग और लुक के मामले में बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और फिर उसके बाद हम इसके बड्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बड्स को आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ईयरबड्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोट लिखा हुआ है, और इस बढ़िया लुक यहाँ पर आपको बड्स का देखने को मिल जाता है। ये फुल्ली प्लास्टिक का बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको ईयरबड्स नहीं दिए हुए, रबड़ वाला नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सिंपली प्लास्टिक वाला दिया है, जो डायरेक्टली आपको ईयर में लगाना है। और यहाँ पर आपको सेंसर टच दिया ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको जब आप यहाँ पर निकालते हैं इसे चार्जिंग बॉक्स से, तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो अगर आप एक बार कनेक्ट कर दिए होंगे तो बार बार अपने आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो बंद करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ यहाँ प्रेस कर रखना है, और यहाँ पर डबल बार यहाँ पर रेड लाइट बढ़ेगा तो यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये बंद हो गया। तो सेंसर टच यहाँ पर इसका बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, जो कि इंस्टेंट यहाँ पर रिस्पॉन्स करता है। बहुत सारे ईयरबड्स होते हैं जिसका जल्दी यहाँ पर सेंसर काम नहीं करता, तो इसका इंस्टेंट यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स दे देता है। तो इस तरह का यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, जो आप अपने बॉक्स में लगाते हैं तो ये डायरेक्टली मैग्नेटिक है, तो आराम से यहाँ पर चार्जिंग के लिए तो चार्ज होने लग जाता है। तो यहाँ पर आप दोनों का लुक देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो बड्स में भी ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग की। तो यहाँ पर आप इसे 2 से 2.5 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं एक बार चार्ज करने पर, और यहाँ पर आपको बॉक्स का चार्जिंग टाइम यहाँ पर 9 घंटे तक कम मिल जाता है। तो आप इसे आराम से 2-3 बार अच्छा खासा यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं अपने बड्स को। और बड्स का यहाँ पर अगर प्लेइंग टाइम की बात करें तो 2 से 2.5 घंटे तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
तो फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट है और कम प्राइस में मिल रहा है, और कम प्राइस में यहाँ पर आपको 2 से 2.5 घंटे तक का प्लेन टाइम मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादातर ईयरबड्स के 3, 3.5, 4 घंटे तक ही होते हैं, तो चार्जिंग के मामले में ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है ईयरबड्स। अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो साउंड क्वालिटी जब मैंने इसे यूज़ किया तो साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है, अच्छा खासा इसमें बेस आपको प्रोवाइड करता है, और साथ ही यहाँ पर आपको साउंड भी बहुत ही क्लियर प्रोवाइड करता है, सॉन्ग को आप फील भी कर सकते हैं एक तरह से कहे तो बहुत ही बढ़िया इसकी साउंड क्वालिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया ईयरबड है, और बेस में भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ज़्यादा सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट ईयरबड है। तो इसे हम अब अपने मोबाइल से पेयर कर लेते हैं और इसके टच को देख लेते हैं, और इसके अंदर गूगल असिस्टेंट वगैरह कैसा काम करता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ब्लूटूथ को यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अभी हम इसे पेयर कर लेते हैं। तो पेयर करने के लिए सबसे पहले हमें ईयरबड को ऑन करना होगा, तो ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली टॉप पर आपको प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर अभी ऑन हो गया, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंग हो रही है, ब्लू और रेड लाइट। तो अभी हम इसे हमें कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आप जैसे पेयरिंग के लिए आ गया है, तो अभी हम सेकेंड वाला डिवाइस भी ऑन कर लेते हैं। तो ये भी ऑन हो गया, तो यहाँ पर अभी रिफ्रेश है, तो अभी हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट होते ही यहाँ पर ब्लिंग होना बंद हो जाएगा कनेक्ट होते ही, और यहाँ पर आप कनेक्टिंग देख सकते हैं। यहाँ पर इसके टच की बात करें तो यहाँ पर अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो सिंगल क्लिक पे यहाँ पर सिंपली आपका सॉन्ग प्ले हो जाता है, और सिंगल क्लिक पे यहाँ पर आपका सॉन्ग बंद हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम कहते हैं इसे 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें तो यहाँ पर आपका सॉन्ग चेंज हो जाता है, जैसे कि आपने ऊपर देखा, तो 2 सेकंड यहाँ पर आपको चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको 2 सेकंड क्लिक करके रखना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉन्ग चेंज हो रहा है, तो इस तरह, और यहाँ पर सिंगल क्लिक से यहाँ पर आप बंद कर सकते हैं। अगर हमें गूगल असिस्टेंट की ज़रूरत है तो यहाँ पर आपको 3 बार टैप करना होगा, तो यहाँ पर 1, 2, 3, तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट ऑटोमेटिकली यहाँ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सेंसर टच बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, जो कि इंस्टेंट होता है रिस्पॉन्स। और यहाँ पर राइट वाले ईयरबड से आप नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, और लेफ्ट वाले ईयरबड से आप प्रीवियस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर और कॉल वगैरह आने पे यहाँ पर आपको सिंगल टैप करके यहाँ पर आप कॉल को पिकअप करके, और कॉल काटना होगा तो सिंगल टैप करके यहाँ कॉल काट भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चारों फंक्शन मिल जाते हैं, कॉलिंग और सॉन्ग वगैरह में प्ले करने के लिए, और नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने के लिए, और यहाँ पर गूगल असिस्टेंट वगैरह भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो अगर ओवरऑल यहाँ पर हम इसकी बात करें तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है साउंड के मामले में, और बेस क्वालिटी वगैरह में बहुत ही बढ़िया ईयरबड ये यहाँ पर आपको मिल जाता है, और बिल्ड क्वालिटी सब कुछ यहाँ पर आपको बढ़िया मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से इसे बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको इस ईयरबड्स के बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।